जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ हिंदी का 6 नंबर चैप्टर लाएँ, जो कि 6 नंबर चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को बहादुर। तो बहादुर वाला ये चैप्टर का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आप लोग चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप लोग सबसे पहले चैप्टर वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव मारेगा। इसमें हम करीबन आप लोग के लिए लाएँ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 40 में आप लोग को कितना सही गया है। यदि आप लोग चैप्टर वाला वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग को एक भी गलत नहीं जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था, बहादुर कौन था। तो बताइए आप लोग बहादुर कौन था, तो एक नौकर था। क्या था? तो नौकर था, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नौकर, नौकर था। ठीक है, आगे देखते हैं बहादुर कैसी कहानी है, बहादुर कैसी कहानी है। तो आपका आंसर होगा सामाजिक। कैसा था? तो आप लोग बोलिएगा सामाजिक। जैसे देखिए हम ऑप्शन भी बोल सकते हैं 4 ठो, जैसे ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और डी नंबर वैज्ञानिक। ये सभी से हम लोग टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए आप लोग को जो भी आंसर होगा हम एक डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक डायरेक्ट आंसर देखकर ही बोल रहा है, ये सभी नहीं, हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम एक डायरेक्ट जो भी बोलेंगे आंसर बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, कहानीकार के कहानीकार कौन है। तो आप लोग बोलेगा अमरकांत जी। कौन है? तो अमरकांत जी, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बहादुर का नाम क्या था, बहादुर का नाम क्या था। तो आपका आंसर होगा दिल बहादुर। देखिए ये सभी 2019 में 21 में भी पूछा गया था, जितना भी क्वेश्चन है सभी पूछा ही गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो आप लोग बोलिएगा नेपाल से, आप लोग बोलिएगा नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, कहाँ के रहने वाला था। तो आप लोग बोलिएगा नेपाल, कहाँ के थे? तो नेपाल के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोग को, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो आपका आंसर होगा बाबूजी, बाबूजी, आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाबूजी। ये सभी हम क्वेश्चन वहां पे करा चुके हैं, आप लोग सिर्फ यहां पे यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो 7 में 7 अभी तक सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, किशोर कौन था। तो लेखक के साले के पुत्र, या लेखक का भाई का पुत्र, या लेखक का चचेरा भाई, या लेखक का पुत्र। तो आपका आंसर होगा लेखक का पुत्र, जो बड़ा पुत्र था किशोर, जो कि ये बहुत तंग करता था इसको बहादुर को। ठीक है, आपका आंसर होगा 8 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो आपका आंसर होगा लेखक का साला, लेखक का साला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो आपका आंसर होगा युद्ध में, कहाँ होगा? तो युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ये ऐसा कौन सा पूछा, कौन पूछता है। तो आपका आंसर होगा निर्मला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो हम उस वीडियो में बता चुके हैं, तो माँ की मार के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ। तो आपका आंसर होगा 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी, जुलाई 1925 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ये लास्ट चैप्टर, सॉरी ये चैप्टर के अंतिम में पढ़ना था, हम ये भी बता चुके हैं। तो दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण आपका ऑप्शन ए गलत होगा, माँ की याद आने के कारण आपका आंसर बी भी गलत होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन, आपका आंसर होगा सी नंबर, 14 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ये इल्ज़ाम लगाया था उनका रिलेशन वाला कि 111 रुपया, आपका आंसर होगा बी नंबर, 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई,
किसके पास चली आई, तो आंसर होगा आपका माँ के पास। किनके पास, तो माँ के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो आपका आंसर होगा माँ के रूप में, माँ के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, जो अभी क्वेश्चन कराए 11 रुपया का, तो आपका आंसर होगा पैसा चुराने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि यूपी, उत्तर, बलिया, उत्तर प्रदेश। 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत जी का स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए, ये क्वेश्चन वहाँ पे हम नहीं करा चुके थे। आपका आंसर होगा 1942 ईस्वी, 1942 ईस्वी। मौत का नगर किसकी रचना है, ये क्वेश्चन करा चुके, तो आपका आंसर होगा अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत जी का। जिंदगी और जो किसकी कहानी है, तो आपका आंसर होगा अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का यदि आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कहाँ से प्राप्त की थी, तो आपका आंसर होगा बलिया से, आपका आंसर होगा बलिया से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, इनमें से मतलब कौन सा कहानी है जो उनके द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर होगा बहादुर, आपका आंसर होगा बहादुर। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है, जिंदगी और जो किन लेखक की रचना है, तो आप लोग बोलिएगा अमरकांत जी, अमरकांत जी का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अमरकांत जी, जिंदगी और जोक, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है, तो आप लोग बोलिएगा अमरकांत जी, अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अभी तक 26 में आप लोग को कितना सही गया है जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि हमें इतना सही गया। देखिए आप लोग को 41 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, किस कहानी के लेकर पुरस्कृत किया गया था, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा कि डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो आपका आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 28 का आपका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा घुरा रहा है, तो आपका आंसर होगा 11 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये खोने के का प्रपंच किसने रचा था, किसने रचा था, तो आपका आंसर ऑप्शन ए है कि कहानी के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने, तो आपका आंसर होगा कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, माँ के डर से लड़का रात भर वहाँ छिपा रहा, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, तो हम शुरू में ही वीडियो में बता चुके थे कि आपका आंसर होगा जंगल में, आपका आंसर होगा जंगल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के ने हंडिया कितने रुपये निकाले, जो कि घी वाले हंडिया से निकाले थे 2 रुपया, जो कि भागने के लिए ये बहादुर जी निकाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, मतलब तुच्छ या धनी या गरीब या विश्वासी, तो आपका आंसर होगा तुच्छ, आपका आंसर होगा ए, यानी कि तुच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने किसके मन में हुई, तो आपका आंसर होगा बहादुर जी का, ये बात होगा आपका आंसर बहादुर जी का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला कौन थी, तो आपका आंसर होगा कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, कहानीकार के लड़के का नाम था, तो आपका आंसर होगा किशोर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो आपका आंसर होगा आँचल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन,
38 नंबर, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो आप लोग बोलेगा अमरकांत जी का। यही सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ होता है भाग जाना। आपका आंसर होगा भाग जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी? तो आपका आंसर होगा नौकर की। आपका आंसर होगा 40 का ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 41 नंबर। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा अमरकांत जी का। अमरकांत जी का। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का सभी चैप्टर को आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।